हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कुछ बेस्ट स्पॉटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एनएसएससी एंड दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। ये वीडियो क्लास हिंदी में रहेगी, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे। प्लीज़ इस पूरे वीडियो क्लास को एंड तक देखिए, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑलवेज प्रैक्टिस जस्टिस एंड केयर फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस पर देखिए, कभी कभी इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और गलत आंसर लगा देता है। यहाँ पर देखिए, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, यानी ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्रैक्टिसेस यहाँ पर वर्ब है, लेकिन प्रैक्टिसेस का जो वर्ब फॉर्म है वो है practices। ये नाउन फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब फॉर्म चाहिए सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये वर्ब की पोजीशन है, ठीक है। तो इसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो होगा practices, ना कि CES। तो इसलिए ये पार्ट इसमें गलत है। अब ये पार्ट कहाँ पर दिया गया है, ये पार्ट दिया है थर्ड में, प्रैक्टिसेस का जो पार्ट है ये थर्ड में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। और आगे बढ़ने से पहले इस ग्रेट बुक है, ई बुक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 2500 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, हाईली यूजफुल है ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसको आप जरूर लें यदि अभी तक आपने इसको परचेज नहीं किया है। ये लाइफ टाइम काम आने वाला एक टूल है और हज़ारों वर्ड्स इसमें दिए गए हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ, सिनोनिम, एंटोनिम, निमोनिक ट्रिक्स, माइंड ट्रिक के साथ इसमें दिए गए हैं। इस ई बुक को आप नीचे दिए गए लिंक से ज़रूर ज़रूर आप लें यदि अभी तक आपने इसको नहीं लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। ठीक है, पूरा पूरा ब्लॉक जो था फ्लैट का वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसके साथ दो शॉप भी थी। अब देखिए यहाँ पर ये एक टिपिकल एसएससी एक सेंटेंस है। यहाँ पर हमने वर क्यों लगाया है, यहाँ पर हमने वर लगाया है इस शॉप्स को देखते हुए, इस शॉप्स के अकॉर्डिंग वर लगाया है, लेकिन इसका रियल सब्जेक्ट क्या है, इसका रियल सब्जेक्ट शॉप्स नहीं है, इसका रियल सब्जेक्ट है द होल ब्लॉक, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, पूरा ब्लॉक डिस्ट्रॉय हुआ है फ्लैट्स का और उसमें शॉप्स भी थी। तो इसलिए यहां पर वर्ब का प्रयोग ना करते हुए हम यूज करेंगे वोस, और इस तरीके से इसका आंसर आपका होगा फोर। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा फोर। चलिए आगे देखते हैं, ही फील्स ही ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। देखिए ये भी काफी कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस है। ही फील्स ही ट्रबल्स, ही फील उसको लगता है कि वो ट्रबल करता है, तो यहाँ पर ट्रबल में एस लगा हुआ है जो कि सही है, ही के साथ यहाँ एस लगा हुआ है, ही में यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, ये सही है। एज मच और इवन मोर देन दे ट्रबल, देखिए यहाँ पर दे सही है, यहाँ पर अगर ये देम होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आना चाहिए ट्रबल, दे ट्रबल तो अंडरस्टूड है, तो लेकिन ये सही है। लेकिन यहाँ पर जब हम एज मच को लगाते हैं तो इसको हम पूरा लिखते हैं एज मच एज, ठीक है, एज मच एज हम लिखेंगे इसको, पूरा लिखते हैं हम इसको, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। देखिए सच रूल्स यहाँ पर सही है, रूल्स के साथ डू नॉट लगा है ये सही है, डज नॉट होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि रूल्स के साथ यहाँ पर डू नॉट ही लगेगा, अप्लाई के बाद टू ही आता है जो कि सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो पोजिशन है, देखिए ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये है सब्जेक्ट की पोजिशन, ये है आपका वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट की पोजिशन। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जब जब प्रोनाउंस आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यू एंड मी, यू एंड आई नहीं बोलेंगे। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का एक सीक्वेंस होता है, तो पहले इसमें सेकंड पर्सन आया है फिर फर्स्ट पर्सन आया है, तो सीक्वेंस तो यहाँ पर सही है, लेकिन इसको इस आई को आपको चेंज करना पड़ेगा मी में, ठीक है। तो ये इसमें ऐसे ये सही हो जाएगा और इसका आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। चलिए आगे देखते हैं, इट इज़ अ क्वार्टर टू टेन बाय माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी में इस समय क्वार्टर टू टेन यानी 9:45 बजे हैं। तो टाइम के लिए डे और डेट के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो ये तो सही है। क्वार्टर एक क्वांटिटी है तो क्वार्टर से पहले ए लगाना भी जरूरी है, तो ये सही है। और घड़ी में टाइम को दिखाने के लिए हम
बाय वर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि घड़ी के द्वारा हम टाइम बताते हैं। देखिए, सभी की घड़ी में टाइम अलग अलग हो सकता है, किसी की घड़ी आगे हो सकती है, किसी की घड़ी पीछे हो सकती है, लेकिन टाइम स्टेबल है। टाइम जो यूनिवर्स में है वो स्टेबल है, लेकिन घड़ी में अलग अलग टाइम हो सकता है। इसलिए जो टाइम का जो एग्जिस्टेंस है वो घड़ी में नहीं है। टाइम को हम घड़ी के द्वारा बता रहे हैं, अलग अलग घड़ी के द्वारा अलग अलग टाइम हम बता सकते हैं। तो इसके इसके लिए बाय हम लगाते हैं, ठीक है। तो बाय कहना सही होता है, इन इन अगर कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। बाय कहना सही होता है, यानी इस सेंटेंस में आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, दैट इज नो एरर। आगे देखते हैं, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज। मतलब इस पोयम का जो निचोड़ है, जो सार है, द सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है निचोड़, जो कि एक सिंगुलर एंटिटी होती है। इसलिए यहाँ पर इज जो लगा है, ये जो इज लगा है, ये सही है यहाँ पर, ठीक है। फॉलोज भी यहाँ पर सही है, तो इसमें आंसर होगा आपका नो एरर। आगे हम देखते हैं, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। ये भी एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, परहैप्स यू नो यहाँ पर सही है ये, चूंकि 1990 की बात कर रहे हैं जो कि एक पास्ट है, और इस पास्ट को हम हैव के साथ नहीं लगा सकते। हैव इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस को, इसलिए हैव यहाँ से हम काट देंगे और ये हो जाएगा आई पास्ट। आई पास्ट मतलब ये पास्ट सेकेंड टेंस हो गया, ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया ये, ठीक है। आई पास्ट, आई हैव पास्ट के स्थान पर हम बोलेंगे आई पास्ट। तो थर्ड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, द टीचर कैप्ट एडवाइसिंग अस टू वर्क हार्ड। देखने में ये सेंटेंस सही लगता है। कीप ऑन का मतलब होता है लगातार किसी काम को करते होना, कैप्ट ऑन मतलब करते होना। स्पोकन इंग्लिश में हम कैप्ट भी बोलते हैं, ऑन को हटा देते हैं, लेकिन ग्रामर में कैप्ट ऑन बोलना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको ऑन लगाना जरूरी है, कैप्ट ऑन। और कैप्ट ऑन चूंकि एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए इसके बाद हम यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जो कि सही है। यानी इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सेकंड, कैप्ट ऑन हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस आर। देखिए, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो आर लगा है ये इसके साथ कनेक्टेड है, आई, ऐसा लग रहा है कि आई ग्लासेस के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसमें आर लगा दिया है। लेकिन इसका रियल सब्जेक्ट आई ग्लासेस नहीं है, इसका रियल सब्जेक्ट है एवरेज एज। एवरेज एज जिस पर हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है, आई ग्लासेस लगाने की ज़रूरत होती है, वो बढ़ रही है। तो चूंकि यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका रियल सब्जेक्ट एवरेज एज है और एवरेज एज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, ना कि आर का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर होगा आपका सेकंड, इज आएगा इसमें, आर नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं, ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम। अब देखिए, इसमें भी ये गलती है। ही इज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर, ये प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होता है, नॉर्मल सीक्वेंस, वो होता है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस भी थोड़ा सा गलत है। इसमें पहले हिम आएगा, हिम एंड आई होगा सही, हिम एंड आई, हिम हो जाएगा थर्ड पर्सन, आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, तो हिम एंड आई यहाँ पर होना चाहिए इसके स्थान पर, हिम एंड आई, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वी इंडियंस डू नॉट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल रिक्वायर केयर एंड स्किल। हम इंडियंस ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि ड्राइविंग के व्हीकल को ड्राइव करने में केयर एंड स्किल की ज़रूरत होती है। देखिए, ड्राइविंग यहाँ पर जो है एक जेरंड है, एक नाउन है जो कि सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। ड्राइविंग यहाँ पर एक नाउन है जो कि सिंगुलर माना जाता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्स, एस यहाँ पर हम लगाएंगे, और सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा। यदि मैं थोड़ा सा जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप, मैं उसको ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा। हालांकि ये सेंटेंसेज इतने टफ नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन ए पीसफुल मैनर। ये काफ़ी एक अच्छा सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। देखिए, वेडेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ जाना, या उससे, वेड का मतलब होता है शादी करना, लेकिन किसी से जुड़ जाना गहरे रूप से, ठीक है। तो उसको उस सेंस में भी हम वेड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वेडेड के बाद हम टू लगाते हैं, हम इन नहीं लगाते, ठीक है। वेडेड के बाद हम टू लगाएंगे,
तो थर्ड इसमें सही आंसर आपका होगा। आगे हम देखते हैं, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने एस पी बक्सी बुक से लिए हैं, जो कि एक बेहतरीन बुक है बैंकिंग और एसएससी के लिए। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम का मतलब होता है सुप्रीम, सबसे ऊपर, जैसे यूनिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा यूनिक। तो इन 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 सारे शब्दों के साथ हम मोस्ट नहीं लगा सकते। जैसे हम नहीं बोल सकते मोस्ट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट का मतलब 100% पूरा होता है, ठीक है, या यूनिक है, या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मोर स्क्वायर या मोर राउंड, ऐसे हम नहीं बोल सकते। मोस्ट यूनिक, ठीक है, मोस्ट बेस्ट, मोस्ट टॉलेस्ट, ऐसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सुप्रीम जो वर्ड है ये अपने आप में परफेक्ट है। तो इसलिए मोस्ट को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, और सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, ऑल दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। देखिए, मैनर क्या है, मैनर नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर लगा दिया है एडवर्ब, तो हम बोलेंगे इन अ स्किलफुल मैनर, ना कि इन अ स्किलफुली मैनर, ठीक है। तो इसमें फोर्थ आपका सही आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, आई प्रिटेंडेड एज इफ इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। आई प्रिटेंडेड मतलब मैंने बहाना बनाया कि जैसे कि मैं इसमें इंटरेस्टेड था। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई आएगा यहाँ पर, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड, एज इफ आई वर इंटरेस्टेड होगा ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। तो 15 का इसमें आंसर होगा फोर्थ। तो इस तरीके से मैंने इसमें 15 क्वेश्चंस लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा। यदि ये ई बुक आपने नहीं ली है तो इस ई बुक को आप जरूर लें, हाईली यूजफुल ये ई बुक है, और लाइफ टाइम आपके ये काम में आएगी। इससे इंग्लिश का सेक्शन, वोकेबलरी का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।